नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही हुकूमत कायम कर ली। एक हफ्ते पहले सरकार का भी ऐलान कर दिया, लेकिन अब इसका शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा, कब और कैसे होगा, ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि तालिबान के बड़े नेता कहाँ हैं और ये दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। हिब्तुल्ला अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों ही अब तक कहीं नजर नहीं आए हैं। बरादर ने दो दिन पहले 39 सेकंड के कथित ऑडियो टेप के जरिए खुद के सेहतमंद होने का दावा किया। अब इस टेप पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। सीएनएन ने तालिबान के अंदर जारी उठापटक को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके मुताबिक आम तौर पर किसी भी देश में सरकार के ऐलान के साथ ही नेता दुनिया के सामने आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि तालिबान नेता कहाँ हैं, उनका पता क्या है और वो दुनिया से नजरें क्यों नहीं मिला रहे हैं। तालिबानी प्रवक्ता भी सवालों को टालने की कोशिश कर रहे हैं और अगर जवाब भी देते हैं तो वो बेहद कमजोर होते हैं। सिर्फ दो दिन पहले तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने मुल्ला बरादर का एक ऑडियो टेप जारी किया, कहा वो बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। अब इस टेप की क्वालिटी और बैकग्राउंड को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कयास ये भी हैं कि तालिबान हुकूमत में शामिल हक्कानी नेटवर्क से झड़प में मुल्ला बरादर मारा जा चुका है या गंभीर रूप से घायल है। दावा है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच यह झड़प सरकार के ऐलान से ठीक पहले हुई, यानी मामला पिछले हफ्ते का ही है। बयान भी मुल्ला के असिस्टेंट ने जारी किया था। ऑडियो टेप महज 39 सेकेंड का था। सुप्रीम लीडर हिब्तुल्ला अखुंदजादा के बारे में तालिबान ने कहा था, सुप्रीम लीडर अखुंदजादा जल्द ही दुनिया के सामने आएंगे। 15 दिन पहले दिए गए बयान के बावजूद वो अब तक नहीं दिखा। रिपोर्ट के मुताबिक अखुंदजादा भी या तो मारा जा चुका है या फिर गंभीर रूप से घायल है। अगर ऐसा नहीं है तो अब तक सामने क्यों नहीं आया। कतर की राजधानी दोहा में भी उसका अता पता नहीं था। बता दें कि अखुंदजादा 2016 में तालिबान का सरगना बना था। 5 साल में इसका कोई बयान किसी भी रूप में सामने नहीं आया। पिछले साल खबर आई थी कि अखुंदजादा काफी बीमार था और उसकी मौत पेशावर में हुई। इसके साथ सवाल ये भी है कि अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। मुल्ला बरादर तालिबान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा था। माना जा रहा था कि वो ही प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हसन अखुंदजादा को पीएम बना दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, तालिबान पर सबसे ज्यादा असर और रसूख यानी प्रभाव इस वक्त कतर का है। उसके विदेश मंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अल थानी काबुल पहुंचे थे। तालिबान दावा करता है कि उन्होंने हिब्तुल्ला अखुंदजादा से कंधार में मुलाकात की, लेकिन इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। बाकी सब तो छोड़िए, तालिबान प्रवक्ता ने इस मुलाकात की पुष्टि तक नहीं की, जबकि कतर ने यात्रा की आधिकारिक जानकारी दी थी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर तालिबानी नेता और ख़ासकर हक्कानी नेटवर्क के लोग वांटेड हैं। उनको लगता है कि दुश्मन अमेरिका उन्हें कभी भी निशाना बना सकता है, इसलिए वो सामने नहीं आते। वैसे तालिबान चीज़ों को पीछे छिपाने में माहिर है। उसके पहले नेता और संस्थापक मुल्ला उमर को अमेरिका ने 2013 की शुरुआत में ही मार गिराया था। तालिबान ने साल के बिल्कुल आखिर में इसकी जानकारी दी। दरअसल तालिबान लीडरशिप को लगता है कि नेताओं की मौत की खबर से संगठन टूट सकता है और उनके आतंकी दूसरे गुटों में शामिल हो सकते हैं। हक्कानी नेटवर्क के नेताओं पर तो 5 से 10 लाख मिलियन डॉलर तक के इनाम घोषित हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।